तो गाइस फाइनली होंडा ने क्रेटा के मच अवेटेड फेसलिफ्ट वर्जन को रिवील कर दिया है, बट फिलहाल इसके कुछ फ्रंट के शॉट्स, रियर के शॉट्स एंड इंटीरियर के शॉट्स ही शेयर किए गए हैं। बट आज की वीडियो में आपको इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वेलकम बैक टू रियल कार फैक्ट्स, एंड बहुत ही जल्दी इस चैनल पे आपको इसकी ड्राइव रिव्यू एंड इसके वॉक अराउंड वीडियो मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं एंड बात करते हैं इस कार के एक्सटीरियर लुक से। तो गाइस सबसे पहले तो मैं इस चीज में कंफ्यूजन हूँ कि मैं इसको एक फेसलिफ्ट बोलूं या एक न्यू जनरेशन कार बोलूं, बिकॉज इस बार हुंडई ने इस कार को टोटली चेंज कर दिया गया है। एंड जैसे कि हम देख रहे हैं रिसेंट टाइम पे, जैसे नेक्सॉन का हमने फेसलिफ्ट दिया था, उसी तरीके से क्रेटा के फेसलिफ्ट को भी टोटली चेंज करके मार्केट में उतारा गया है। बात करूं इसके एक्सटीरियर लुक की, तो अब कार का डिजाइन पहले से ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। बात करूं कार के फ्रंट प्रोफाइल की, तो फ्रंट प्रोफाइल में अब आपको न्यू फुल कनेक्टिंग डेटाइम रनिंग लाइट देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ हेडलाइन की पोजीशनिंग को भी थोड़ा नीचे कर दिया गया बम्पर के पास, एंड जो ग्रिल का डिजाइन है उसे टोटली चेंज कर दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रहा है पहले के अकॉर्डिंग। एंड कंपेयर करो इसको पहले के फ्रंट प्रोफाइल से, तो ये प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छा लगा है इस कार में। एंड जो छोटे छोटे एलिमेंट यूज किए गए हैं इसके एक्सटीरियर लुक में, वो कार को काफी ज्यादा मस्कुलर लुक दे रहे हैं। ऑल्दो डायमेंशन में ज्यादा चेंजेस नहीं किया गया, बट फिर भी कार पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मस्कुलर लग रही है। एंड डिजाइन वाइज कार पहले से काफी हद तक अच्छी लग रही है। इस फ्रंट प्रोफाइल बहुत अच्छा लग रहा है कार का। बात करूं रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल में अब आपको कनेक्टिंग एलईडी टेल लैंप देखने को मिलेगा, जो मुझे पर्सनली पहले की क्रेटा के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड इसके साथ साथ आपको बिग साइज स्किड प्लेट देखने को मिलेगी, जो कार को काफी ज्यादा मस्कुलर लुक दे रही है रियर से भी। एंड इसके साथ 70 इंच के अलॉय आपको इस कार में देखने को मिलेंगे, बट अलॉय का डिजाइन पहले से चेंज कर दिया गया है। इसके साथ 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस कार में मिलती है। पैरानोमिक सनरूफ जैसा फीचर जो आपको एग्जिस्टिंग कार में भी मिलता था इसके, वो भी इसमें कंटिन्यू रखा गया है। इसके अलावा आपको बहुत सारे एग्जिस्टिंग फीचर इसके साथ अभी भी मिलेंगे कंटिन्यू। जैसे मैंने आपको बताया डायमेंशन वाइज कार में ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए, बट कार के ड्राइविंग डायनामिक्स को चेंज कर दिया गया है। इसका मतलब आपको पहले से ज्यादा अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस कार में देखने को मिलेगा। बात करूं कार के इंटीरियर की, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क बनता है, बिकॉज इंटीरियर इस कार की मेन यूएसपी होने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग इससे अच्छा इंटीरियर मैंने इस सेगमेंट की कार में नहीं देखा। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइस बात करूं कार के इंटीरियर की, तो बहुत ही आई कैची इंटीरियर है इसका। एक बार आप देखोगे आपको पसंद आ जाएगा। बहुत सारी चीजें इसमें चेंज कर दी गई है। जैसा आपने देखा सेल्टॉस में जो इंटीरियर चेंजेस हुए थे, उससे काफी ज्यादा हद तक इस कार में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो टोटली न्यू इंटीरियर है, एंड इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट लुकिंग इंटीरियर मुझे इस कार का लगा है। तो गाइस बात करूं इसमें मिलने वाले नए चेंजेस की, तो अब इसमें आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कनेक्टिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम, यार ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल कंसोल का जो कॉम्बिनेशन बैठा है ना, वो आपको कहीं ना कहीं मर्सिडीज जैसी कार की याद दिलाएगा। बहुत ही क्लासी इंटीरियर होने वाला है इस कार का, और बहुत ही जबरदस्त लग रहा है देखने में। इसके अलावा इस कार में अब एसी वेंट्स के डिजाइन भी चेंज कर दिए गए हैं। एम्बिएंट लाइट आपको देखने को मिल जाएगी इस कार में। अब आपको इस कार में इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक देखने को मिलेगी, एंड सीट्स के डिजाइन को भी थोड़ा बहुत चेंज किया गया। इसके अलावा बहुत सारे एग्जिस्टिंग फीचर्स है जो इस कार में कंटिन्यू होंगे, जैसे कि TPMS, पैरानोमिक सनरूफ, एयर प्यूरिफायर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, बोस के 8 स्पीकर्स। बट सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे न्यू फीचर्स भी आपको इस कार में मिलने वाले हैं, जैसे कि एम्बिएंट लाइट, फ्रंट पार्किंग सेंसर, 360 डिग्री कैमरा, एक्स्ट्रा ब्लू लिंक फीचर्स। इसके अलावा डैश कैम एंड एडास, यस अब आपको क्रेटा में एडास भी मिलने वाला है गाइस। सो एडास लेवल 2 अब आपको क्रेटा में देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी खबर है। तो जो लोग चाहते थे क्रेटा में एडास फीचर आए, तो हुंडई ने उनकी ये रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी है। तो अब आपको क्रेटा में एडास फीचर मिलने वाला है। इसके साथ 6 एयरबैग का ऑप्शन आपको इस कार में मिलेगा, जो इस कार की कहीं ना कहीं सेफ्टी को और ज्यादा इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा बात करूं इस कार में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस की, तो इस कार में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो कि आपको मैनुअल एंड सीवीटी गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। सेकंड इंजन ऑप्शन की बात करूं, तो इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन ऑप्शन मिलेगा, जो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन के साथ आपके पास आएगा। इसके अलावा एक न्यू इंजन ऑप्शन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि पहले भी क्रेटा में आपको मिलता था, बट कुछ टाइम तक डिसकंटिन्यू कर दिया था हुंडई ने इसे। बट नाउ अगेन ये आपको इस कार में देखने को मिलेगा, वो है इसका 1.5 लीटर का टर्बो इंजन, जो कि आपको मैनुअल गियर बैक के साथ नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ आपको डीसीटी ऑप्शन के साथ मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करूं इस कार में मिलने वाले वेरिएंट्स की, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं।
ये सारे वेरिएंट्स अब आपको इस कार में मिलेंगे। सो गाइस फाइनली बात करें इस कार की प्राइसिंग की, तो जो करंट में एग्जिस्टिंग क्रेटा आ रही है उससे थोड़े ज्यादा प्राइस आपको देने पड़ेंगे इस कार के लिए, बिकॉज बहुत सारे नए फीचर्स इस कार में ऐड करे गए हैं। तो इसके जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो सम अराउंड आपके 11 लाख से 20 लाख के बीच में कहीं ना कहीं फॉल करेंगे। एंड बात करें इस कार की लॉन्च डेट की, तो 16 जनवरी को ये कार लॉन्च हो जाएगी। एंड अगर आप इसकी बुकिंग कराना चाहते हैं तो आप नियरेस्ट शोरूम में या ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग करा सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें हमारा चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिक बाय।